स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। ये रिश्ता क्या कहलाता है? बेटा ठीक है, तू जाकर नैतिक से मिल, बात कर, वो सच में बहुत परेशान होगा। हाँ अक्षरा, जल्द से जल्द मिल ले। मैं भोला को कहती हूँ तुझे छोड़ाएगा। नहीं दादी, भोला भैया के साथ नहीं, अब मैं रिक्शा से चली जाऊंगी। चल ठीक है, ध्यान से जाना बेटा। हाँ हाँ, फोन रख लिया ना? हाँ। पैसे है ना? हाँ है। रिक्शा, ठीक है दादी। अच्छा बेटा, सिटी पार्क। सब्जी आपकी चाय। एक कैसी चाय लेके आया तू है? पानी अलग, पत्ती अलग दिख रही चाय में, क्या वापस ले जाए इसको? अच्छा हमारी बात तो सुन, आज तू गुलाबी साड़ी पहन लेना। अरे नहीं सब्जी, एकदम ताजा दूध की चाय है, मलाई वाली, आप पी के तो देखो। मेरा लाइसेंस। ताजे दूध की चाय है, है? इसने और एकदम चौकी चाय बना के ला, बढ़िया मलाई मार के, वरना तेरी जो दुकान है ना उसका तीन टप्पर उठवा के फेंकवा दूंगा कहीं और। चल। ये हो क्या रहा है? मैं इतनी देर से वेट कर रहा हूँ, कोई मेरी बात ही नहीं सुन रहा है। यहाँ से जाने की सबको बड़ी जल्दी रह गए है। मैं बोलूं जब जाना ही है तो आते क्यों इधर? बच्चा है साहब जी, गर्म खून है, जेब भी गर्म है, साड़ा तो लाजमी है। जा छोरे, बैठ जाने, टाइम लगेगा अभी, जा। क्यों? क्योंकि ये कोर्ट केस है। क्या कोर्ट केस? एक तो गाड़ी तूने गलत जगह खड़ी कर दी, तो नो पार्किंग का जुर्माना लगाइए, जितने पैसे होते मैं देता हूं ना, बोलिए। बड़ी गर्मी चढ़ी है छोरे ने पैसे की। अरे अमीर घर के छोरा ने कोई समझाए कि ये इसके बाप का एयर कंडीशन ऑफिस ना है, ये हमारा पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन यहाँ मारी चलती है, मन ने पीसे की गर्मी ना दिखा। अब रही बात तेरे पे कौन सा केस बनता है, वो तो मैं बनाऊंगा, तुम्हारे को कानून ना समझा। तू एक काम कर, वकील बुला ले अपना, केस तो मैं अब थारे पे बनाऊ ही बनाऊ। धमकी मत दीजिए मुझे, आप मेरा कोर्ट केस नहीं बना सकते, मैंने किया क्या है? तूने हवलदार को धमकाया है, तूने सरकारी काम करने में बाधा डाली है, इब तेरा लाइसेंस भी जब्त और गाड़ी भी। पर ये सरासर झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। बस मारा समय ना बर्बाद कर, जो कुछ बोलना है ना तूने अपने वकील ने बोलियो या कोर्ट में जज साहब के सामने बोलियो, समझा? सब्जी चाय। ये बुलाया बढ़िया चाय बना के तू, चल जा। जी साहब। आपकी इजाजत के बगैर फोन पे बात नहीं कर सकते यार। ये भी ये फोन भी जपत। फोन भी नहीं उठा रहे हैं, है कहाँ? यहीं पे तो बुलाया था। कहीं फिर से नाराज होके चले तो नहीं गए? मैं फिर से ट्राई करती हूँ। आप मेरा फोन वापस कीजिए। क्यों? आप इसे ऐसे नहीं रख सकते। इतना गुस्सा? मारे को धमकी दे रहा है, आंखें ना दिखा मारे को, मारे को डर लागे है। इसका टुनटुना तो बहुत बाजे है।
मुझे फोन दीजिए प्लीज, बात करने दीजिए। क्यों हम नहीं कर सकते? हेलो, कोई चोरी है फोन पे? मुझे फोन दीजिए, बात करने दीजिए। हम कर लेते हैं। हेलो, किससे बात करनी है जी? मैं नैतिक जी से बात कर सकती हूँ? मैं अक्षरा बोल रही हूँ। अक्षरा, नाम तो बड़ा चौखा है, कहिए क्या सेवा करूँ आपकी? मेरा फोन दीजिए, वापस करिए इसे। आप कौन? मैं इंस्पेक्टर राजा राम, प्रताप नगर पुलिस चौकी से। पुलिस स्टेशन? नैतिक जी ठीक तो है ना? क्या हुआ? हाँ, जब हवालात की हवा खाएंगे तो ठीक हो ही जाएंगे। हुआ क्या? नियम तोड़ा है इन्होंने। जब ये कानून का लिहाज नहीं करेंगे तो कानून इनका लिहाज कैसे करेगा? प्लीज आप मेरी उनसे बात करा दीजिए प्लीज। कल हवालात में आके मुलाकात कर लेना। क्यों बकवास कर रहे हैं आप? मेरा फोन दीजिए। मेरे फोन पे आपने बात कैसे की? कानून के नाम पर आप ऐसे परेशान नहीं कर सकते। एक छोटी सी गलती के लिए आप यूं तंग नहीं कर सकते। देखता हूँ क्या केस बनाते आप मेरा। पुलिस अफसर को धमकाने का, पुलिस अफसर को रिश्वत देने की कोशिश करने का। गाड़ी की चाबी और लाइसेंस चाहिए ना, तो जाकर चुपचाप उस बेंच पर बैठ जा, वरना मैं थारे ऊपर और भी चार्जेस लगा सकूं। चल जा। पुलिस स्टेशन में उन्हें लॉकअप में बंद कर देंगे? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। घर पर फोन करके पूछ लेती हूँ। नहीं नहीं, दादी को फोन कर लेती हूँ। अगर उनको और बुरा लग गया तो। रिक्शा, प्रतापनगर पुलिस स्टेशन चलिए जल्दी। बोला जी दादी। अपनी शादी के लिए वहां से सुंदर सी पगड़ी खरीद ले। दादी हाँ, आपको क्या लगता है अक्षरा को किसका साथ देना चाहिए? घर वालों का, क्योंकि बाहर काम करने पर बिल्कुल राजी नहीं है, या फिर नैतिक जी का? बेटा, गाड़ी के पहिए अलग अलग दिशा में तो जा नहीं सकते। मुश्किल समय में अगर बीवी अपने पति का साथ दे तो उसकी हिम्मत, उसका मनोबल और भी बढ़ जाता है। मेरे ख्याल से अक्षरा को जमाई सा का साथ देना चाहिए। पच्चीस बीस हजार का होगा यू मोबाइल, मन ने तो यू छुरा बड़े घर का लागे है। चा बकरा फंसा है साहब जी। बुला छोरे ने। ए छोरे, इधर आ इधर। उम्र क्या है थारी? 22। ओए झूठ मत बोल, दाढ़ी मूछ तो आई को ना तेरे चेहरे पे। 17 साल से एक दिन ऊपर उम्र ना लाग रही तेरी। ये लाइसेंस कैसे मिल गया थारे को? अब उम्र का सर्टिफिकेट दिखाऊं क्या? हाँ दिखा ले। फोन मिला अपने घर पे और बोल तेरा बर्थ सर्टिफिकेट लेके आ जाए यहाँ थाने में। घर? घर क्यों? घर के नाम पे हवा निकल गई के। देखिए आप बेकार में बात खींच रहे हैं। मैं कोई अपराधी थोड़ी ना हूं। खूनी, आतंकवादी, इन्हें पकड़ने से तो डरते हैं आप, और मुझे से अगर हाथ लग जाए तो मजा ले रहे हैं।
मुंह बंद कर वरना एक हाथ का घुमा के दूंगा थारे को, नानी याद आ जाएगी। कुत्ता जी, इस लाइसेंस पे इसके घर का टेलीफोन नंबर है, इसने मिलाओ और इसके घर वालों को भी पता लगे उनके सपूत के कारनामे। हाँ मैं देखता हूँ। हेलो जी, नैतिक सिंघानिया के घर से बोल रहे हैं? हाँ जी, मैं पुलिस चौकी से बोल रहा हूँ। सब ठीक तो है? हमारा छोरा हमारी हिरासत में है, गाड़ी की चाबी देने से पहले उसको ट्रैफिक के नियम कानून समझा दिया करो। आज पकड़ा गया तो पुलिस वालों से उलझ रहा था, ये बात तमीज नहीं सिखाई के इसे। अरे लेकिन हुआ के? आप प्रताप नगर की पुलिस चौकी में आकर देख लो जी बस। हेलो हेलो दादाजी, क्या हुआ, कौन था? राजबना, चलो हमारे साथ जल्दी। चाय तो पीके जाइए। अरे मैंने जाना होगा, मुन्ना पुलिस चौकी में है, हिरासत में। बिगाड़ो और बिगाड़ो अपने लाडले, तुम दोनों की वजह से ही ये सब हुआ है। अरे ये दिन देखना बाकी रह गया था कि सिंघानिया परिवार का छोरा पुलिस चौकी में बैठा है। चलो राजबन्ना। अरे नाराज ना हो जाने मन, आज मैं तन्ने होटल ले चलूंगा, बहुत बड़ी पार्टी हाथ लगी है। आया नहीं कोई थारे घर से? साहब, नैतिक सिंघानिया के घर से कोई आया है। भेज दो। अक्षरा जी, जी आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? और आप यहाँ क्यों? मुझे बताया कि आप पुलिस स्टेशन में और आपको लॉकअप में डाल देंगे तुम्हें। तो आप यहाँ आ गए, पर मैंने तो आपको नहीं बुलाया था। बिना सोचे समझे आप यहाँ आ गए हैं। ये पुलिस चौकी है। तो क्या ये सब जानकर मैं घर लौट जाती? चलान क्या नहीं थी? सॉरी अक्षरा जी, आप मेरे बारे में इतना सोचती हैं और मैंने आपको क्या क्या कह दिया। ये लो, थाने में लैला मजनू की कहानी शुरू हो गई। अरे छोरे, अरे माँ बाप को जाने हैं छोरी के बारे में? माफ कीजिए, ये मेरी पत्नी है, मेरी होने वाली पत्नी। होने वाली? आने दे थारे बापू को, पता लग जाएगा कितनी होने वाली है। और जोड़ी कमाल की, उधर बैठो बेंच पर। पर आप तो मेरा कार में इंतजार कर रहे थे ना? हाँ, पर वहां पार्किंग नहीं थी इसलिए लोगों ने मुझे पकड़ लिया, तब से परेशान कर रहे हैं। आज का दिन ही खराब है, आज सुबह पूजा में भी। हाँ, दादी ने बताया। क्या? यही कि आप बिजनेस नहीं नौकरी करना चाहते हैं, घर में सबको बहुत बुरा लगा है। हाँ, मुझे टेक्निक ऑपरेशन से इंटरव्यू का लेटर आया है, इसलिए मैं आपको बुलाना चाहता था, जानना चाहता था कि आप क्या सोचती हैं। आप जो भी फैसला करेंगे नैतिक जी, मैं उसमें आपके साथ हूँ, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है,
मुझे आप पे पूरा विश्वास है। साहब, नैतिक सिंघानिया का बाबूजी आए हैं। ले, अरे बापू भी आ गया। सिंघानिया साहब, जा दो चाय लेके आ जल्दी, मलाई मार के फिर आ जाओ। जो मैं जानता ही आपका छोरा है तो मैं इसको वहीं छोड़ देता। अब आप इसे ले जाइए। ये हमारा छोरा ना है। मेरा बेटा है। क्या कहे? जाने दीजिए, अब छोड़िए, आप इसे ले जा सकते हैं। क्या कहे है? अब छोरे की गलती कह लो या जवानी का जोश कह लो, गर्मी पकड़ लेता है। आप विराजिए ना। मैंने सिटी पार्क के बाहर 2 मिनट गाड़ी सड़क पे क्या खड़ी कर दी तो ये लोग? इसीलिए तो, कोई और जगह होती तो जाने भी देता। अब उस पार्क में दुनिया भर के छोरा छोरी घूमे हैं। कितनी कंप्लेंट है उस पार्क के बारे में हमारे पास। आप ये सब मुझे क्यों कह रहे हैं? वो वहां, मैं यही तो कह रहा था, इतने प्रतिष्ठित घर का छोरा, जवानी का जोश है। हवलदार ने टोका तो इस पर भी भड़क उठा। अब जाने दीजिए, बात को यहीं खत्म करते हैं। आप ले जाइए इसे। जुर्माना कितना हुआ? अब छोड़िए सिंघानिया साहब, आपसे क्या जुर्माना लेना? नहीं, आप जुर्माना लीजिए, कानून कानून होता है, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। जुर्माना कितना है जी? केवल 300 रुपए हुए। चले। ये छोरी कौन है जी, आप जानते हो इसे? ये हमारी होने वाली बहू है। वही छोरे ने बोला था जी। अब तहकीकात तो करनी पड़ती है ना जी, दिन में 100 केस आते हैं। दादाजी, इन लोगों ने आपके सामने सारी बात घुमा दी। मैंने नो पार्किंग एरिया में 2 मिनट के लिए गाड़ी खड़ी की थी। अक्षरा जी तो अभी आई हैं, मेरे पकड़े जाने की खबर सुनकर। इनकी कोई गलती नहीं है, दरअसल मैंने ही इन्हें बुलाया था, पर इनके पहुंचने से पहले पुलिस आ गई और ये घबरा कर यहां आ गई। और राज बना, तू नैतिक ने घर ले जा, मैं छोरे ने घर छोड़ देता हूं।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।